कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाए गए नाइट कर्फ्यू का असर सोमवार को भी देखने को मिला। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जनता खुद ही नाइट कर्फ्यू का पालन कर रही है, जिसके संबंध में सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा कि नाइट कर्फ्यू का पूरी सख्ती के साथ लागू कराया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का है। सीओ कैंट ने कहा कि कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। इस दौरान कचहरी चौक, छात्र संघ चौराहा, चेतना तिराहा तथा गोलघर की सड़कों पर सन्नाटा फैला रहा, लोग जरूरी कार्य से ही सड़क पर दिखे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा, रात्रि के कर्फ्यू में 100% पालन किया जा रहा है। जनता भी वैसे रात में रेस्ट करती है और सारी पुलिस मुस्तैद है, इलेक्शन के बाद सब आ चुकी है और अच्छे से सबको लॉकडाउन में कराया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। केवल एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे नगर निगम की गाड़ियां सफाई के लिए जाती हैं दिन में भी रात में भी, सैनिटाइजेशन के लिए गाड़ियां नगर निगम की जाती हैं दिन में रात में भी, एम्बुलेंसेज अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर्स और जो एसेंशियल सर्विसेज में स्टाफ लगा हुआ है विभिन्न हॉस्पिटल में उसको अनुमति है, वो सब आ जा रहा है। फूड की जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनको भी लोड कराया जा रहा है और उनको भी डीलोड कराया जा रहा है। इस तरह से एसेंशियल सप्लाई हर तरह से मेंटेन की जा रही है। बैरियर्स जैसे पहले से हमारे 41 बैरियर पूरे लगाए गए हैं और नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी चौराहों को लॉक कर दिया जाता है और सिर्फ एक रास्ता छोड़ा जाता है जहां से लोगों को चेक करके छोड़ा जाता है, जो छूट वाले हैं, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित हैं और जो नर्सिंग वगैरह हो मरीजों को लेकर जा रहे हैं फिर उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है। शेष जो अनधिकृत रूप से चल रहे हैं बिना छूट वाले उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर लोगों से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही है कि वो घर पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें और हाथ धुलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वैसे जनता का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, अब हम लोगों को बहुत कम भी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं। सभी लोगों में एक जागरूकता आई है, स्वयं अपनी दुकानें भी बंद कर रहे हैं, स्वयं घर के अंदर रह रहे हैं, अनावश्यक रूप से बहुत कम लोग बाहर रह रहे हैं।